आज मुझे काम से निकाल दिया। चलिए बताता हूँ क्या हुआ। आज से मेला खत्म है तो हमने भी सारा हिसाब किताब कर दिया। उसके बाद हमें ये स्टॉल तोड़ना था। इसको तोड़ने में हमारी हेल्प साली साहिबा भी करवा रही थी। हम लोग इसको जल्दी जल्दी तोड़ देते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन आने वाली होगी। इसको तोड़ के हम रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। हमारी ट्रेन आती है और ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे काम से क्यों निकाल दिया गया। कुछ लोगों को मेरे वीडियो बनाने से प्रॉब्लम हो रही थी तो उन्होंने ऊपर सर से शिकायत कर दी और सर ने मुझे वीडियो बनाने के चक्कर में काम से निकाल दिया। मुझे लग रहा है कि मेरा न्यू फोन लेने का सपना सपना ही रह जाएगा। अब मैं अपने घर में खर्च कैसे दूंगा। तभी मेरी निगाह पड़ जाती है साली साहिबा के ऊपर, जो बगल वाले भैया के कंधे में सर रख के सो रही थी। सोते सोते वो आ जाती फतेहपुर। फतेहपुर पहुंच करके हमने एक रिक्शा किया, उसमें सारा सामान लादा और पहुंच जाते हैं अपने घर। घर पहुंच के मैं देखता हूं कि अन्नू हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना रही है। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। साली साहिबा खाना निकालती हैं। मैं और साली साहिबा दोनों लोग बैठ के खाना खाते हैं। फिर मैं गाड़ी निकालता हूं और साली साहिबा को छोड़ने चला जाता हूं उनके घर।